राम राम जी। मैं आपका अपना दोस्त करमवीर चौहान आपके अपने करमवीर चौहान व्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या ढंग है आपका, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं हूं खेत में, और खेत में ये दोस्तों अपना खेत देखिए आप, अपन ने जो कपास बो रखी थी, नरमा बो रखा था, उसको खाली कर दिया है खेत को। और खेत में देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी घास है। देखिए दोस्तों घास बहुत ही बड़ा है, और खेत को गेहूं के लिए तैयार करना है, क्योंकि अब इससे आगे लेट होंगे तो दोस्तों अपने डे पर डे जो गेहूं की पैदावार है वो कम होती जाएगी। दोस्तों अपन को अपना खेत आज तैयार करना है, इसमें खाद बोनी है, और खाद बोने के बाद कल इसमें गेहूं बोने हैं दोस्तों। तो अपना सारा खेत देखिए आप बिल्कुल घास से भरा हुआ है, और अपन को करना है तैयार। तैयार करके मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों, अपने हैरो से तैयार करेंगे इसको, और तैयार करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि अपना खेत तैयार हो गया। चलाएंगे इसमें हैरो चलाकर अपन इस खेत को कैसे करेंगे, बिल्कुल मखमल जैसा बना देंगे, जिसमें खाद की बुआई करेंगे और उसके बाद फिर गेहूं की बिजाई करेंगे। आज ही खाद की बुआई करेंगे दोस्तों, और अपन अपने खेत को बना देंगे मक्खन वर्गा, जो कि हैरो चलाएँगे और हैरो से मक्खन वर्गा खेत बन जाएगा। और आप देखिए दोस्तों अपना सच्चा साथी वो खड़ा है, और आप चलाएंगे दोस्तों, और आपको मैं अपनी सरसों और दिखाता हूं दोस्तों। देखिए ये है अपनी सरसों, जो कि अपन ने जेल की थी, जेल वाली सरसों है। दूर से हरियाली मारने लग गई है दोस्तों इसमें, और आपको खुड वाली सरसों भी दिखाऊंगा, जो कि मशीन बिजाई की थी वो भी दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए ततैये लग रहे हैं कपास पे, अरे पेड्डा खड़ा था, अब इसको भी क्लियर करना है, कहीं पे ततैये खा ना जाए दोस्तों। ये है अपनी बिजाई वाली सरसों, जो अपन ने बिजाई की थी वो सरसों है दोस्तों। ये बिजाई की हुई सरसों है दोस्तों, जो कि मशीन से बिजाई की थी अपन ने। अब की बार थोड़ी गहरी है दोस्तों, क्योंकि दाना का दाना जाम गया है, जो नमी थी खेत में वो बहुत ज़्यादा थी। अपना सच्चा साथी तैयार खड़ा है दोस्तों, और अब चलाते हैं अपने सच्चे साथी दोस्तों। अब करते हैं अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट, और अपना ट्रैक्टर हो गया स्टार्ट, और अब करते हैं दोस्तों खेत की जुताई। देखिए दोस्तों अपने सच्चे साथी से मैंने जुताई कर खेत बिल्कुल मखमल की तरह बना दिया है, देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों थोड़ी देर पहले इसमें कितना घास खड़ा था, घास में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे है क्या। और अब अपन ने खेत ही ऐसा कर दिया दोस्तों, इसकी चार बार जुताई की है। चार बार जुताई करने के बाद घास देखिए आप छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हैं घास के, और घास रड़ गया है दोस्तों। ये घास है थोड़े दिन बाद अपने खेत में दोस्तों, घास को इतने छोटे छोटे महीम बना दिया है, और ये घास है अपनी जो धरती है खेत की, इसमें खाद का काम करेगा, थोड़े दिन बाद गल जाएगा ये, और खाद के रूप में पौधों को पोषक तत्व देगा, जिससे अपनी फसल हरी भरी लहलाती हुई
पैदा होगी दोस्तों, और जिससे अपना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों इसको खेत में ही काट दिया है, मिला दिया है दोस्तों, इसको जलाना नहीं चाहिए, इसको खेत में ही हैरो से या रोटावेटर से मिला देना चाहिए, जिससे इसका थोड़े दिन बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये था, देखिए आप अपना आज का व्लॉग, और इस व्लॉग में देखिए अपने खेत में जुताई चल रही है, वो जुताई दिखाई मैंने। और दोस्तों खाद के लिए मशीन ले आया हूँ मैं, और अब खाद बोएंगे दोस्तों, और खाद ले आया हूँ, अब इस मशीन से खाद बोएंगे दोस्तों। देखिए आप खाद के कट्टे पड़े हैं दोस्तों। दोस्तों ये सरदार कंपनी का डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन है, और इसमें 40% क्या है, इसमें 40% है फास्फोरस दोस्तों, ये है देखिए आप। और दोस्तों ये है यूरिया, थोड़ा थोड़ा यूरिया मिलाएंगे, 3 किल्ले हैं दोस्तों, 3 कट्टे हैं सरदार के डीएपी के, और 1 कट्टा है सरदार का ही नीम कोटेड यूरिया दोस्तों। इनको मिलाकर अब बोते हैं दोस्तों, बोनी करते हैं अपने खाद की, और कल बोएंगे दोस्तों। दोस्तों कल बोएंगे गेहूं, और आज बो रहे हैं अपन खाद, और दोस्तों अपन ने आज ही खेत तैयार किया है, आज ही खाद बो रहे हैं, क्योंकि गेहूं में लेट नहीं होना चाहते हम, क्योंकि डे पर डे लेट होने से जो गेहूं की प्रोडक्शन है, गेहूं की उपज है, वो कम हो जाती है दोस्तों, तो थोड़ा टाइम से ही बोना अच्छा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा अपना व्लॉग, आप दोस्तों को कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मखा, राम राम, वीडियो लाइक कर दिया करो भाई।